हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर अ फाइन। 2020 बैच के लिए जो सीईटी देने वाला है अभी, उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स ऑन किया था मैंने। होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, असाइनमेंट्स करने बोला था, बहुत सारे एमसीक्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन बच्चों ने नहीं किया उसको। इसी वजह से वो सीरीज़ फिर मैंने आगे चलाई नहीं, क्योंकि पढ़ाने उसको मज़ा आता है जो पढ़ना चाहता है। अब जो बच्चों को काम दिया जा रहा है वो बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो आकर के हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। यहाँ पर जो है ना, आपको एक चीज़ को अब समझना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर 100% हम लोग देखें, अगर हम लोग को सक्सेस चाहिए सीईटी में 100%, तो 100% में से बच्चों 95% जो है ना, ये आपकी सेल्फ स्टडी है, ये आपको पढ़ना है, ये स्टडी है, और 5% ही क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि बच्चों को गलत डायरेक्शन में गाइड किया जा रहा है। बच्चे सिर्फ यहीं पर इस पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी पे। अरे भाई, जब तुमने खाना पकाया ही नहीं है तो ऊपर से उसकी टॉपिंग करने का क्या मतलब है? ये सिर्फ ऊपर की टॉपिंग है। ये अगर तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुमने सेल्फ स्टडी की ही नहीं है, तो स्ट्रैटेजी का कोई सेंस नहीं बनता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये, तुमको ये करना है जो असल चीज़ है, तुमको स्टडी करनी है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, यहाँ पर मुझे एक चीज़ में बहुत कमी लग रही है, वो क्या है? वो ये है कि बच्चों को ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा ही नहीं रहा, जबकि असल चीज़ तो वही है। तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर नहीं किया तो तुमने क्या किया तैयारी के अंदर अपनी? तुमने कुछ भी तैयार नहीं किया। अरे भाई, एक रेस है, मान लो बाइक की रेस है, उसमें तुम बैलगाड़ी चलाना कितना भी सीख करके चले जाओ, रेस कभी जीतोगे? या हेलीकॉप्टर चलाना कितना भी चलाना सीख जाओ, बहुत अच्छे से मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख लिया। अरे भाई, हेलीकॉप्टर तुमने उड़ाना सीख लिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन रेस तो बाइक की है, तुम कभी नहीं जीत सकते उसके अंदर। तो अगर तुमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को नहीं किया तो तुमको एग्जाम का टेस्ट ही नहीं मिला, तुमको पता ही नहीं कि एग्जाम में आने क्या वाला है। समझे? ये असल चीज़ तो कोई करा ही नहीं रहा है। पूरा यूट्यूब मैंने देखा, कहीं मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है कि बच्चों को एक्चुअल चीज़ कराई जाए। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं तैयारी में फिर। तो इसी वजह से आप लोग की तैयारी स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए अभी आपके पास टाइम है। जुलाई का आधा मंथ है, अगस्त है, आप समझ लीजिए। तो आपके पास अभी हम लोग डेढ़ महीना है, तो डेढ़ महीना है तो मैं क्या करता हूँ, ये करवाता हूँ जो असल चीज़ है। हर एक चैप्टर की में जितने 16 साल में प्रीवियस 16 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स के अगर आऊँगा मैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो 16 ईयर्स के हैं, वो आप लोगों को सीईटी 2020 बैच के लिए कराना शुरू कर दूंगा मैं, जो इस साल सीईटी देने वाले हैं। 2021 वालों के लिए तो फ़ायदा है ही उसमें। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखो, ये जो काम कर रहा है ना, इसको फॉलो करना है। जो ये तुमको पढ़ा रहा है, जो एक्चुअली तुमको कंटेंट दे रहा है, उस चीज़ को तुमको फॉलो करना है। ये सब तो बकवास है, ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स गेन करना, अपने व्यूज लाना, सिर्फ यही इसी का तरीका है। ये क्या बड़ी बात है 5%? अगर ये तुमने किया नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तुम याद रखो मेरी बात। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सब सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की वजह से करते हैं, सबके सब आकर के तुमको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, ऊट पटांग एमसीक्यूज करवा दी। अरे ये कराओ भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये असल चीज़ तुमको करवानी है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर? तो याद रखो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का इधर उधर, जो असल काम है उसको करो, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए उससे तुमको एग्जाम का टेस्ट मिल जाएगा, वो मैं करवाना शुरू कर दूंगा। लेक्चर्स को ध्यान से देखना, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाना। आप लोगों को जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे इंस्टा आईडी पे आपको मिल जाएंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अभी और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा उसका। तो इंस्टा आईडी पे आप चले जाइएगा, वहां पर जैसे ही आप प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो भी दिन का असाइनमेंट होगा, या असाइनमेंट कह रहा हूँ मैं, जो भी दिन का आपका क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर वाले, वो आपको मिल जाएंगे। अब कोई बच्चा बाद में आया, 4 दिन 5 दिन के बाद जाकर के देख रहा है, तो उसको कैसे मिलेगा? वो तो 24 आवर्स के बाद चले जाता है, वो हाईलाइट्स में जाकर के देखे। हाईलाइट्स में मैं सब कुछ डाल करके रखता हूँ, सब अवेलेबल रहता है हाईलाइट्स में। समझ आया? क्लियर है? तो प्रॉपर उसके नोट्स बनाना, मैं बीच बीच में आपको शॉर्टकट्स बताते जाऊंगा उसके। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो शॉर्टकट्स को प्रॉपरली फॉलो करो, सीईटी स्पीड का गेम है, उसके लिए तुमको शॉर्टकट्स चाहिए, वो सब मैं तुमको कराने वाला हूँ। हर चैप्टर के 16 साल में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक चैप्टर में जितने भी फिजिक्स में है, हर चैप्टर में पिछले 16 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं, वो सब आपको करा दूंगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अभी ये मौका मत गवाना, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ उसको प्रॉपरली करो और अच्छा स्कोर करो सीईटी में। ठीक है?
थैंक यू।